शिवांगी एंड वेलकम टू माई चैनल. आई एम स्टार्टिंग माई ब्लॉग फ्रॉम टूडे. सो आई वॉन्ट टू कीप द ऑनेस्ट रिव्यूज ऑन स्किन केयर एंड ऑल्सो आई विल मेक द वीडियोज ऑन मेकअप ट्यूटोरियल. सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई न्यू चैनल एंड वीडियो शुरू करते हैं. नाउ मेरे पास अभी ये पर्पल का मैंने आज गुड वाइब्स के बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं. जो गुड वाइब के मुझे प्रोडक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं, ऊपर से क्रुएल्टी फ्री रहते हैं, पैराबिन नहीं होता क्योंकि पैराबिन सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को हार्म करता है. तो जब ये पैराबिन फ्री मिलते हैं सारे प्रोडक्ट, उसके बाद भी ये पूरे नेचुरल प्रोडक्ट हैं. और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर आप अभी आपकी जॉब लगी है, तो सबसे बेटर चीज़ में ये होती है कि आपको ये पूरी तरह से अफोर्डेबल मिलेंगे. आपको बहुत ज़्यादा इनकी रेंजेस नहीं होंगी, अगर रेंज होगी भी तो 250 तक होगी, इससे भी कम में आ जाते हैं. और दूसरी बात ये कि स्किन को हार्म नहीं करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव द सेंसिटिव स्किन. सो ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करते हैं. ठीक है, तो ये बॉक्स को मैंने यहाँ खोल लिया है. अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या इसमें से प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, सबसे पहले है ये प्रोडक्ट गुड वाइब का है, कुकुम्बर जेल है. ठीक है, इसको मैंने अभी खोला नहीं है, तो मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ. तो गाइस ये कुकुम्बर जेल है, इसमें भी वही सारा ऊपर लिखा हुआ है, नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है इसके साथ में. और ऊपर से ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. दूसरा, पर्पल की जो सर्विस है वो भी बहुत ज़्यादा औसम है, क्योंकि शायद मेरा ये ऑर्डर मैंने 6 को प्लेस मैंने ऑर्डर दिया था और ये 17 की इसकी डिलीवरी दिखा रही थी, लेकिन आज 10 है और ये आज अभी एक घंटे पहले यहाँ अराइव हो गया है. सो इसकी पैकेजिंग के ऊपर इस टाइप का एक कैप टाइप की है, यू कैन सी. एंड इसको ओपन हम करेंगे, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ. जितनी मैं तारीफ कर रही थी उतना ही लेट खुल रहे हैं. तो वन सेकेंड, या इसमें यहाँ पे कैसे होल्डर टाइप का दिया हुआ है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं. या ये एलोवेरा जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, ऑब्वियसली नाम भी इसका जेल है. ऑसम. और स्मेल बिल्कुल कुकुम्बर जैसी है. मैं एक बार थोड़ा सा यूज़ करके देखूँगी. या एक्चुअली ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगाया है क्योंकि उसको एलोवेरा से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, उसको सूट नहीं करता बिल्कुल भी. सो मैं ये बात करती रहूँगी. इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ फिर यहाँ लगा कर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, मतलब एकदम चिप 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 वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है. तो ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ये देखिए. एंड इट लुक्स लाइक सो मच शाइनी. थोड़ी देर में ये सारा, नाउ यू कैन सी इट्स गिविंग अ वेरी स्मूथ एंड अ शाइनी टेक्सचर. तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है. इसको आप रात को एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो आप. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बहुत सारा मेकअप लगाना नहीं चाहते हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो. सेकंड थिंग इसके साथ ये बहुत अच्छी है कि आप इसको एज अ मेकअप बेस भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मेरी नाक थोड़ी बंद है लेकिन फ्रेगरेंस फिर भी बहुत ऑसम आ रही है. ठीक है, जब मैंने ये पूरा बॉक्स मंगाया था, इसके साथ मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिले हैं, जिसमें से है गुड वाइब का ये रेस्पेरियन पेपरमिंट का फेस स्क्रब है. ठीक है, ये ट्रेबल साइज़ में है, बंद है अभी, बट इसकी खुशबू बिल्कुल बेरी जैसी आ रही है. तो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो गुड वाइब का फेस जेल ही है, लेकिन वो कुकुम्बर इंग्रेडिएंट था उसका, इसका आर्गन है. तो मैंने आर्गन इसलिए मंगाया क्योंकि जो आर्गन होता है वो आपकी जो स्किन होती है, जब आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है 25 से ऊपर, तो आर्गन क्या करता है, स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है. एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई आई चूज़ दैट. एंड मैं इसको भी खोलकर आपको दिखाऊंगी. सो नाउ
फ्रेगरेंस बहुत स्मूथ, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी भी सेम पैकेजिंग है इसकी भी, वो थोड़ा बड़ा है, 100 ग्राम या 50 ग्राम है। रेंज मैं अभी आपको बता दूँगी दोनों की। या इट्स सो मच अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एंड इसका प्राइस है 175 रुपीज़, ठीक है। 175 में आपको 50 ग्राम मिलेगा। एंड दिस इज़ 215 का ही आपको 100 ग्राम मिलेगा। ऑब्वियसली ये वाला लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट यू नो इसका जो इंग्रेडिएंट है, आर्गन के जितने भी मैंने प्रोडक्ट देखे हैं वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं नॉर्मल इंग्रेडिएंट के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड थर्ड मैं रिव्यू करना चाहूँगी, ये गुड वाइब का टोनर है। गाइज मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि ये बहुत ज़्यादा पोर्स को छोटा कर देता है और आपकी स्किन को रेजुनेट कर देता है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, अगर मैं प्राइमर नहीं लगाती हूँ तो मेकअप में भी ऊँची मुझे दिखती है, ठीक है। सबसे जो मुझे बेटर लगता है गुड वाइब में, पहले मैं इसका इन्ग्रीडियंट बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसका इंग्रेडिएंट क्या है, ये हनी का है, इसका मेन इंग्रेडिएंट हनी है। इस पर लिखा हुआ है कि ग्लो टोनर। पैकेजिंग के मामले में बात करें तो इसमें इस टाइप का स्प्रे आता है, थोड़ा सा ये लीक कर रहा है, पता नहीं शायद मैंने गलत खोल दिया, ठीक है। इस टाइप से ये स्प्रे में आता है, यू कैन सी दिस। सो आई एम जस्ट सम स्मेल है, एंड अगर हम इसको टैप 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 करते हैं तो ये थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाता है। यू कैन सी कि अब ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो है 175 का है, ये हनी वाला ग्लो टोनर है, ठीक है। एंड जो थर्ड प्रोडक्ट है वो भी एक टोनर ही है, वो बस आर्गन है, मतलब सेम वो मेरी सिस्टर के लिए, दिस इज़ फॉर मी। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड वाइब टोनर फ्रॉम आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर, ठीक है। इसका जो प्राइस है सेम ही है, 175 रुपीज़। सेम पैकेजिंग है, सेम इस टाइप के पंप टाइप में आ रहा है। एंड आई विल स्प्रे दिस ऑन माई हैंड, सेम वही जैसी जेल में स्मेल थी आर्गन की, वही स्मेल आ रही है, बट बहुत ज़्यादा ऑसम है। एक ये है, इसको मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मैंने भी स्किन केयर ट्रीटमेंट लिया था कि जल्दी जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो और मैं जल्दी जल्दी से इस प्रोडक्ट को मंगाऊँ। ये एन वाई वे का स्किन फिडेंट रेडियंट एस शो स्टॉपर फेस सीरम है। तो इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे, मेरा बहुत मन था ऐसे सीरम यूज़ करने का। एक्चुअली मैं बायोटिक का एक सीरम यूज़ कर चुकी हूँ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक्चुअली ये थोड़ा सा इस टाइप का है, ठीक है। इसमें ये ड्रॉपर भी दिया हुआ है इन्होंने साथ में, इसको भी मैंने खोला नहीं है। इसके मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को रेजुवेनेट करता है, उसको बिल्कुल न्यू लुक देता है। अगर आप एंटी एजिंग वाली जो प्रॉब्लम है, अगर एज बढ़ रही है, आपको एंटी एजिंग कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो गाइज आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस। एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका प्राइस 175 रुपीज़ है। इस टाइम पे हॉल चल रही है तो आप इजीली आप इसको कम पैसों में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये अभी यहाँ पे कैप लगी हुई है जिसमें ये बंद है। इस टोनर को आप नाइट में यूज़ करेंगे, आई विल सजेस्ट यू कि इसको आप नाइट में यूज़ करो। एंड क्योंकि जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है उसका थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करते तो थोड़ा, अगर आप सन के एक्सपोजर में जाते तो रिएक्शंस होने के डर रहते हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि यूज़ दिस सीरम इन नाइट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी क्योंकि एक्चुअली मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया नहीं था। ये सारा इन सारी चीज़ों में मुझे ऑफ़र मिला है कि मुझे ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये है गुड वाइब का पॉम ग्रेनेट एंटी ऑक्सीडेंट फॉर्मिंग फेस वॉश, ठीक है। इसमें भी वही है कि नो क्रुएल्टी नो पैराबिन, और इसका भी मतलब 150 ml का यू नो, और इसका प्राइस है 215। ये पूरी तरह से फ्री मिला हुआ है। तो इसमें अगर आप इसको बड़ा सा जो कैप है इसको हटाएंगे, ये पंप वाला है ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लेकर दिखाती हूँ, ये
इसमें फोम है, पूरा फोम फेस वॉश है ये, एंड इट इज़ लुकिंग सो मच ऑसम। ये अभी मैं हाथ धो के रहा हूँ हाथ में, बट ऑसम बहुत ज़्यादा। स्मेल जो है इसकी बहुत ज़्यादा ऑसम है। इट इज़ लुकिंग सो मच लवली, और इतनी प्यारी पैकेजिंग में आया है और फ्री है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी ये पूरा जो कलर है पोमग्रेनेट कलर ही है, यू कैन सी गाइस, पिंक पिंक पिंक। ओके, अब मैं बात करती हूँ इस स्क्रब की। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फ्रॉम द पर्पल, नॉट फ्रॉम द पर्पल बट फ्रॉम द गुड वाइब। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द सील नाउ, जस्ट यूजिंग दिस मच। एंड जो इस पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बेरी के, तो आई वॉन्ट टू गिव यू अ सजेशन। जो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्मूथ हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पे ही थोड़ा माइल्ड रहेगा, एंड अगर आपके ओपन पोर्स है तो इसको आप इजीली आप हल्के हल्के से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि आप आपके नाक पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो ये आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। उसके लिए आप एवेन्यूज वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल रहता है। बट लेकिन ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, बट आप अगर इसमें फेस से यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा जेंटल रहेगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो गाइज, ये सारा मेरा इस बार का पूरा गुड वाइब का सारे प्रोडक्ट का था। अब मैं इसका रिव्यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मुझे आप सबसे पहले नीचे कमेंट करके ही बताओ कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे। सबके प्राइस मैंने बताए हैं, सबके प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और मेरे को सजेशंस देने वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि फटाफट जाके वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यूज़। उसके बाद में आपको मेकअप, स्किन केयर एंड हाँ एक चीज़ और, इसमें आपको एक और चीज़ जो मैं आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाली हूँ, वो आपको बीच बीच में वेट लॉस एक्सरसाइजेस वीडियोस भी मिलती रहेंगी। एंड अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।